नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कैलिया थाने में, जो सिपाही वीरेंद्र पाल की आत्महत्या हो गई थी, आत्महत्या उसी के द्वारा हो गई थी ऐसा बताया जा रहा था। शासन प्रशासन के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो उसके पीछे साजिश होती है इस संसार में रहने वाले लोगों की। कहीं ना कहीं इस तरह की साजिशें इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर से उसको उसका दिल दुखाने का काम करती हैं। कहीं ना कहीं उसके डिपार्टमेंट ने उसको परेशान किया होगा, उसको तंग किया होगा, निश्चित ही यही कारण रहा है। और इसी कारण की वजह से कहीं ना कहीं वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। साथियों, वीरेंद्र पाल जो कैलिया थाने में तैनात था, उसने अपनी बेटी से बात करते समय लगातार एक ही बात कही कि या तो मेरी हत्या हो सकती है या मैं जेल जा सकता हूँ। और कहीं ना कहीं सुबह लगभग 4 बजे तक लगातार बातचीत होती रही और 6 बजे घटना को अंजाम दे दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वीरेंद्र पाल सबसे पहले फंदा बना करके उस पर फांसी लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश की और फांसी का फंदा टूट गया, तो तुरंत ही वो कहीं ना कहीं अपनी जान लेने में नाकाम हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चाकू से अपना गला रेत लिया। आप लोग कहीं ना कहीं इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका फंदा कहीं ना कहीं फांसी का फंदा जिसका टूट जाए और वो उसके बाद भी अपना गला रेत ले, ऐसा कैसे संभव है? साथियों, जहां तक इंसानियत के नाते, इंसान के भाव के नाते, जहां तक हम लोग समझ पा रहे हैं, वहां तक एक बार ही आत्महत्या करने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए और अपना गला रेतना शायद इंसान के द्वारा संभव नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या से बच गया हो, निश्चित ही उसके अंदर एक भय व्याप्त होगा और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति में किसी भी कीमत पर ये संभव नहीं है कि वो स्वयं चाकू से अपना गला रेत सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश रही। पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल जी कहीं ना कहीं तुरंत ही कन्नौज से निकल करके वहां पहुंचे और उन्होंने मामले की जांचबीन कराई, छानबीन कराई और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, उसने भी भरपूर प्रयास किए। लेकिन साथियों, ऐसे में सवाल आता है कि जो समाज के बड़े दिग्गज नेता अपने आप को कहते हैं, जो बहुजन समाज के हितैषी बनते हैं, जो बहुजन समाज के नाम पर वोट मांगने आते हैं, हम लोग उनको वोट तो देकर के उनको नेता तो बना देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे काम नहीं आते। जब ऐसी गंभीर परिस्थितियों में हमारा ही नेता हम ही को दरकिनार करने का काम करे, तो फिर हमारा फर्ज क्या बनता है? हम लोग उन लोगों को किस नजरिए से देखें? क्या वो केवल सत्ता की मलाई खाने आए? साथियों, मेरे अनुसार तो कहीं ना कहीं जब सोच विचार किया गया, तब कहीं ना कहीं ऐसा पाया गया कि जो घटना हुई है, उस घटना का कहीं ना कहीं आभास, उस घटना का अंदाजा उस शख्स को पहले ही था। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा था कि लगातार एक शख्स अपने परिवार से रात भर बातचीत करता है। 15 जून की रात लगभग सारी रात बातचीत होती है। उसके घरवाले उसको समझाते रहे, उसके घरवाले उसको लगातार यही कहते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो लगातार चुनिंदा लोगों पर आरोप लगाता रहा। उसके मन में कितना गहरा भय व्याप्त होगा। लेकिन साथियों, हमने अक्सर देखा है कि बहुजन समाज में दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के लोगों को हक अधिकार और न्याय मिलने में आज भी बहुत समस्या हो रही। आज भी इनके पीछे लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े अध्यक्ष पड़े हैं, बड़े बड़े नेता पड़े हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं जो केवल चुनावी बारिश में मेढक की तरह वोट मांगने आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। सत्ता पक्ष की पार्टी से भी एक बहुत बड़े नेता जो कहीं ना कहीं आज की डेट में माने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनको आप अब तक समझ चुके होंगे, लेकिन अभी तक उनका कहीं कोई ट्वीट नहीं, कहीं कोई प्रयास नहीं। साथियों, आखिर हम लोग सवाल करें तो किससे करें और उम्मीद करें तो किससे करें? हम लोग केवल और केवल सवाल कर सकते हैं तो सत्ता पक्ष से, क्योंकि राजा की जनता केवल राजा से सवाल कर सकती है और राजा से ही उम्मीदें कर सकती है। राजा के सिवा उसके पास है कौन? क्योंकि साथियों, जब तक तानाशाही चलती रहेगी, तब तक कहीं ना कहीं इस देश का विकास संभव नहीं है। और जब तक
कहीं ना कहीं इस तरह से होता रहेगा तब तक साथियों, कहीं ना कहीं इस देश में दबे कुचले शोषित और वंचित समाज पे कहीं ना कहीं इसी प्रकार से अत्याचार होता रहेगा। वीरेंद्र पाल की जिस प्रकार से हत्या हुई है इसमें गहरी जांच होनी चाहिए और जो जो लोग दोषी हैं आनन फानन में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी बड़े स्तर पर, तब तक ऐसे लोगों के इरादे बुलंद रहेंगे। और हम तो कहते हैं साथियों, यदि इनका समाज मजबूत है तो इनका जमकर के मुकाबला करे और कड़ा मुकाबला करे। जब तक आप कड़ा मुकाबला नहीं करेंगे, जब तक आप इन लोगों को जवाब नहीं देंगे, जब तक आप इन लोगों से मुकाबला करेंगे ही नहीं और डरते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक जाने जाती रहेंगी। और जब तक साथियों ऐसा होता रहेगा तब तक किसी भी कीमत पर इंसाफ संभव नहीं है।